नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों आज ये वीडियो जो है बिहार बोर्ड के साइंस के जो स्टूडेंट है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हालांकि इस वीडियो में बाकी स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी कुछ होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों आज मैं साइंस के जो सब्जेक्ट होता है इम्पोर्टेंट फिजिक्स, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इससे पहले आपको पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है प्रैक्टिकल का, और आपका जो थ्योरी का एग्ज़ाम है वो 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। उसी में आपका जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा वो 8 फरवरी को होने वाला है। ये सब चीज़ें आपको पता ही होगा, आपने अपनी डेट शीट देख ली होगी। तो चलिए मैं आपको सब्जेक्ट्स के ऊपर ले चलता हूँ जिस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपके सामने अभी ये जो खुला हुआ है ये फिजिक्स का मॉडल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड ने ही जारी किया था। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो यहीं समझ ले, काफ़ी अच्छा रहता है आपके लिए। आपका समय एग्ज़ाम में बचेगा और आप बाकी समय को ओमआर शीट फिल करने वगैरह में लगा पाओगे। तो चलिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मॉडल पेपर के बारे में भी बताऊँगा, उसके क्वेश्चंस को भी बताऊँगा, कुछ आंसर के बारे में भी डिस्कशन करूँगा। और साथ ही मैं एक और मॉडल पेपर दूंगा जो अलग से दूंगा, और बाकी जो स्टूडेंट है जो कि आर्ट्स के कॉमर्स के उनको भी बताऊँगा, उनके भी काफ़ी सारे मॉडल पेपर के बारे में डिटेल बताऊँगा। लेकिन आज पूरी डिटेल्स में मैं फिजिक्स वाले को बताने जा रहा हूँ। फिजिक्स वाले स्टूडेंट पहले आप अपना इंस्ट्रक्शन जो है वो देख लीजिए। आपको जो सवाल जो आएंगे उसके जवाब जो आपको अपने भाषा में देना है, जैसे कि आप एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं देना है कि 5-7 लाइन जो आपको बुक में या नोट्स वगैरह में होते हैं सेम ही लैंग्वेज में जो आप रट के बुक से चले जाते हो, उस तरह से नहीं लिखना है। उस सवालों को आपको समझ लेना है और अपने भाषा में जवाब देना, क्योंकि आप याद उन 8.5-10 लाइनों को आप याद भी नहीं रख पाओगे, समझ लेंगे आप ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन देखिए, दाहिने ओर हाशिए पर दिए हुए निर्देश अंक पूर्णांक निर्दिष्ट होंगे, यानी कि जो आपको जो भी क्वेश्चन होंगे उसके राइट साइड में आपके कितने मार्क्स मिलने हैं वो लिखा होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव है। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन, तो यहाँ राइट साइड में आपके यहाँ पे मेंशन नहीं है, हालांकि यहाँ पे दिया हुआ 10x2। तो इसी तरह से राइट साइड में आपके सारे क्वेश्चंस के मार्क्स जो होंगे वो मेंशन होंगे कि किस क्वेश्चंस के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो अगला इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं आपके लिए। उत्तर देश से समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा पे ध्यान रखें, यानी कि आपको जो कहा गया कि आपको 50 शब्दों में ध्यान देना है तो 50 से आप 45 शब्द लिखिए, 55 लिखिए, 60 लिखिए। अब ऐसा नहीं कि 50 शब्दों के जो प्रश्न है उसको 200-250 शब्दों में लिखेंगे, इससे आपका समय भी व्यतीत होगा, आप अगले प्रश्न को भी नहीं कर पाएंगे और एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी गलत होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको जिस प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए गए वहाँ पर अगर आप ज़्यादा लिख के आओगे तो उस प्रश्न के लिए 10 नंबर मिलेंगे, नंबर आपको 2 ही मिलेंगे। तो अगला इंस्ट्रक्शन ये है कि आपका जो प्रश्न होगा ये 2 खंडों में होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में यानी कि खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35, और उसी प्रकार से खंड बी यानी कि ब में जो होंगे वो आपके होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न होंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन था और इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। प्रश्न आएंगे इसके 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से आपका एक सही ऑप्शन जो होगा उसको आपको जो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ओमआर शीट पे फिल करना है। आपको ओमआर शीट अलग दी जाएगी और बाकी जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो छोटे बड़े प्रश्न होते हैं जो थ्योरी के रूप में करने हैं उसके लिए एक अलग कॉपी मिलेगी, वो उस कॉपी पर करना है। दोनों कॉपी पर आपको काफ़ी सावधानीपूर्वक नाम रोल नंबर वगैरह मेंशन करना है। ये तो आपको मैं क्वेश्चन दिखा चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देख लिया, शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए इस तरह के होंगे, जैसे इस तरह के होंगे, स्थित विद्युत परीक्षण क्या है उसका उपयोग लिखें। आपको ये सवाल
जो है इसके एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। तो आपको इस प्रश्नों का जवाब जो है करीब 40 से 50 शब्दों में ही देना है। 2 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 2 से 3 लाइनों में देना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। इसके अलावा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो उसमें आप लगभग 1 पेज के आसपास जरूर जवाब दें, क्योंकि आप अगर 1 पेज से कम लिखते हैं तो आपका जो मार्क्स होगा काफ़ी कम मिलेगा। तो लगभग 1 पेज 1.5 पेज तक आप जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका जवाब देंगे। तो ये तो मैंने आपको प्रश्न दिखा दिया, अब मैं आप लोगों को एक मॉडल पेपर दिखा देता हूँ जिसका कि क्वेश्चंस के साथ आंसर भी दिया होगा, ये आप देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ जाए, एज इट इज प्रश्न आ जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये देखिए, ये मॉडल पेपर हमारी तरफ से दिया जा रहा है आपको, कुल 35 प्रश्न हैं इसके अंदर, जैसे कि बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर था उसी तरह से बिल्कुल तैयार किया गया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके जो उत्तर है वो आखिरी में है, मैं आपको दिखा देता हूँ सभी प्रश्नों का। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देखते चलिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बाद आप ये 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्न देख रहे हैं, फोटेन के 4 गुणों को लिखे, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कलेक्ट करके आपके लिए रखा है तैयार, और इसके आंसर भी हमने नीचे दिया। आप बिल्कुल लास्ट पेज पे आ जाएंगे, ये देखिए, ये ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गए थे उनके आंसर है, आप इसे ध्यान से देख ले, समझ ले, और हो सकता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI है, तो इसे आप बिल्कुल तैयार। ये 1 नंबर वाले जो प्रश्न थे आपको अपने एग्जाम में भी इसी तरह से दो दो नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उसको ऐसे ही 3 से 4 लाइनों में लिखना है। ये देखिए, आपके लघु उत्तर प्रश्नों के उत्तर है जो कि दोनों भाषा में, यानी कि बाईलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। उसके बाद नीचे इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के भी उत्तर हैं, तो आप इसे प्रिंट आउट करना चाहे तो प्रिंट आउट करना कर ले, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो आप घबराइए मत, आपको मैं इसको कैसे डाउनलोड करना है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको ये भी बता दूं कि जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है वो बिल्कुल हमारे चैनल के नीचे होगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं बाकी जो स्टूडेंट है जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं था, यानी कि वो साइंस के स्टूडेंट नहीं थे, आर्ट कॉमर्स या 10th के स्टूडेंट है, तो उनके लिए भी मैं वीडियो में एक दूसरी लिंक दूंगा, आप वहां चले जाइएगा। वहां जाने के बाद आपके लिए भी इसी तरह से कई सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। काफ़ी प्रश्न जो होंगे वो सिर्फ मॉडल, ये देखिए, ये 12th का मॉडल पेपर है जो कि अलग अलग स्ट्रीम वालों के लिए, जैसे ये साइंस वालों के लिए और पेपर है, फिजिक्स के अलावा हिंदी, उर्दू, पाली, अरबी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, नॉन हिंदी, भोजपुरी। अब इस कॉमर्स वालों के लिए भी आपका बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, इसी तरह से आर्ट्स वालों के लिए भी मैथिली, म्यूजिक, हिंदी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी। उसके बाद 10th वालों के लिए जो मॉडल पेपर है वो सबसे ऊपर है, ये देखिए 10th वालों के लिए ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर दिया गया है और वो भी सॉल्व मॉडल पेपर दिया गया। तो आप लोग इसका लिंक जो है, इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो और स्टूडेंट है बिहार के 10वीं और 12वीं के, उनको मदद मिल पाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम ना होने वाला हो, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कोई फ्रेंड्स का अगर एग्ज़ाम हो रहा हो या किसी रिलेटिव का, तो उनके साथ वीडियो शेयर कर दे, क्योंकि आप ये वीडियो काफ़ी उन स्टूडेंट को फ़ायदा करेगा जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। और जो लोग बिहार के नहीं भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार जो एजुकेशन में है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो आप लोगों की थोड़ी सी मदद से काफ़ी बच्चों को मदद मिल पाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
इस वीडियो में इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।